जय हिंद फ्रेंड्स, माय सेल्फ अमित केसरी एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल लाइफ। हम ये अपने 25-35 ट्रांसफार्मर की एयर वैल्यू लेते हैं। जैसे कि हमने ये है हमारे एलवी साइड का, ये 3 बुशिंग आर वाई वी फेस और ये अपनी एनसीटी और ये है एचवीवी। तो हम इसको पहले सारी शॉर्ट करते हैं एनसीटी के साथ, तीनों अपनी वाइंडिंग। ये हो गई हमारी एलवी साइड की और ये रही हमारी एचवी साइड की, जिससे हम सारी शॉर्ट करेंगे एचवी एनसीटी के साथ। ये देखो जी आप, ये हर मेंटेनेंस में हम इसको लेते हैं और अब हम इसको लेंगे मैगर के थ्रू, जो कि हम कहते हैं आईआर टेस्टर इंसुलेशन। ये लगा दी हमने जी, एक तो इसका पॉजिटिव पॉइंट हमने लगा दिया है इसके क्या नाम है एलवी, और एक हमारा अर्थ रहता है जो कि हमने नीचे अर्थ प्रोवाइड करा रखा है। अब हम ये वैल्यू लेंगे इसकी हम एलवी टू अर्थ। तो अब हम इसकी 3 वैल्यू लेते हैं, एक तो हम लेते हैं 20 सेकंड, एक 60 सेकंड और एक 600 सेकंड। अगर इनकी वैल्यू हमारे गीगा में आ रही है तो हमारे ठीक है, मतलब सारी वैल्यूज़ जितनी हमारे हायर वैल्यू ज़्यादा आएगा उतने हमारा मैगर, मतलब हमारी जो वाइंडिंग है टेम्परेचर की वो हमारी ठीक है, ओके है। तो ये हम लेंगे अपने 20 सेकंड, 60 और 600 सेकंड, मतलब 10 मिनट। अब सेम हमारा प्रोसेस रहेगा एच वी टू अर्थ के लिए, जिसपे हम ये चिमटी हटा के एच वी वाड़े पे लगा देंगे और एक जो हम लगाएंगे वो नीचे अर्थ, जो कि हमने नीचे लगा रखी है अर्थ पे लगा रखी है। तो ये सारी हमारी एच वी टू अर्थ हो जाएगा। ये भी हम 3 प्रोसेस में लेंगे, एक 20, एक 60 और एक 600 सेकंड। ये तो हमारी होगी जी। और तीसरी जो हमारी वैल्यू हम लेते हैं वो लेते हैं एच वी टू एल वी, वो वाली निकाल दो, वो वाली निकाली भाई, जो ये नेगेटिव पॉइंट है ये संदीप निकालियो एक बार, बक्कल की बता दीजिए। अच्छा, ये हम बक्कल की जो हम लेते हैं इसमें भी हमारी ये मेंटेनेंस में आता है, बक्कल रिले हम कैसे ऑपरेट करवाते हैं। ये हम दोनों साइड के एक एरा वाल्व और एक वोरा वाल्व, ये दोनों साइड का हम जो है तेल का फ्लो रोक देते हैं। पहले तेल का फ्लो रोकने के बाद हम इसको नीचे, एक हमारा नट है ये नीचे रहता है, एक हमारा नट ये वाला ये, तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं नट ढीला करके और सारा तेल बाहर काट लेंगे। बाहर तेल काटने के बाद ये जब ट्रिप होगा अंदर हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगी, पीआरवी, मतलब हमारी पीआरवी रिले फंक्शन है। माई चांस कभी फॉल्ट होता है तो हमारी पीआरवी ऑपरेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये टेस्ट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पीआरवी वाले पे। अच्छा, हमारे एक टेस्ट रह गया था अभी बीच में एच वी टू एल वी, उसमें ये रहा, एक तो ये एल वी की साइड हमने एक चिमटी लगा दी और एक हमने एच वी की साइड, ये होता है हमारा टेस्ट एच वी टू एल वी आईआर टेस्ट। ये 3 टेस्ट हमारे रहते हैं, ये भी 20 सेकंड और 60 सेकंड और 600 सेकंड पे लगाते हैं। ये हमारा एक पार्ट हो गया मेंटेनेंस का। अब हमारा बचा है ये ओएलटीसी पीआरवी और एक मेन टैंक पीआरवी, जिसमें हमारी ये वाली तो है मेन टैंक की पीआरवी और ये ओएलटीसी। हम जैसे ही लीवर ऊपर उठाते हैं इसका, तो लीवर ऊपर उठाते ही हमारा ये ऑपरेट हो जाती है अंदर रिले। ये भी हमारे प्रेशर रिलीफ वाल्व में बहुत काम आती है। ये 3 जो रिले रहती हैं, बक्कल और पीआरवी, ये रिले ऐसी रहती हैं कि हमारी ऑपरेट कराने के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन हमारे सिस्टम की बहुत बनी रहती है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।